बहुत पुरानी बात है। एक थे राजा विश्वामित्र, वो महर्षि वशिष्ठ के यहां भोजन पर गए। वहां उनकी इच्छाधारी गाय नंदिनी को देख उनके मन में लोभ जाग गया। उन्होंने ऋषि वशिष्ठ के ऊपर चढ़ाई कर दी, किंतु ऋषि वशिष्ठ ने अपने योग अतप के बल पर उन्हें पराजित कर दिया। क्रोध में आकर उन्होंने एक कल्मषपदा नाम के राक्षस को तैयार किया, जिसने वशिष्ठ के 100 पुत्र का वध किया, और उनमें से ही एक थे तुम्हारे पिता शाक्री। इस नरसंहार की राख से उत्पन्न संतान हो तुम। तुम्हारा नाम है पराशर। मौत से पुनर्जीवित होने वाला। मंडी, हिमाचल की घाटियों में बसा ये शहर। इस शहर के शोर और भीड़ के बीच से निकलते हुए मैं तलाश रही हूँ एक अनोखे स्थल को। कहते हैं वहां इतनी शांति है कि परिंदे तक पर नहीं मार सकते। कलयुग का सबसे बड़ा चैलेंज है टू फाइंड इनर पीस। या शायद ही कोई होगा जो अपने आसपास के कैओस से बचा हुआ होगा। बड़े शहर और उनके प्रेशर से बाहर जब हम खुद को ढूंढने निकलते हैं तो हमें रास्ता दिखाती है ये कहानियाँ। पराशर ऋषि सृष्टि के रचयिता, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, विशिष्ट मुनि के पौत्र, वेद व्यास जी के पिता और शुकदेव मुनि के पितामह और शक्ति के पुत्र, पराशर ऋषि जी का इस भारत की पवित्र भूमि पर महाभारत काल में आगमन हुआ। पराशर का संबंध तो आप देखिए भारत के इतिहास में बहुत प्राचीन है। पराशर जी एक तौर तो बहुत प्रसिद्ध हुए हैं अपने अद्वितीय ज्योतिर्विज्ञ ज्ञान को लेकर। लघु पराशरी और वृषद पराशरी नामक दो बड़े विराट ग्रंथ ज्योतिष के ऋषि पराशर ने लिखे हैं। और जो पराशर सिस्टम ऑफ एस्ट्रोलॉजी है, 90% जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो पराशर सिस्टम ऑफ एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करते हैं। कुल्लू मंडी के अंदर पराशर ऋषि की कुल ईष्ट देवता के रूप में मान्यता है। The great thing about stories is that they make you want to believe in them. हर कहानी के पीछे छुपे हुए सच को जानने की इच्छा शायद हम सब में होती है। ये कहानियाँ फिर हमें अपने साथ अपनी ही दुनिया में ले जाती है। ऐसी ही एक दुनिया है पराशर झील की, और मैं आज आपको अपने साथ इनर पीस के इस जर्नी में ले जाने आई हूँ, कहीं सुनी द मिथ्स एंड लेजेंड्स ऑफ इंडिया में। हिमाचल के मंडी शहर की एंडलेस कहानियों में से एक कहानी है पराशर झील और मंदिर की कहानी।
मंडी से कुछ घंटे की दूरी पर दूर पहाड़ों के बीच एक ऐसी शांत और सुंदर झील है जो महर्षि पराशर ने अपने शांति की खोज में बनाई थी। मंडी से 50 किलोमीटर दूर समुद्र तल से 9,500 फीट की ऊंचाई पर उत्तरसाल पर्वतमाला है एक। उसके बीच में ये कटोरी नुमा एक झील है और बड़ी सुंदर झील है। जितना मैंने सुना है, पराशर वशिष्ठ ऋषि के पोते थे और उनकी विश्वामित्र से कोई पुरानी दुश्मनी थी। फिर कहानी में ये लेख कहाँ से आए? विश्वामित्र बलवान था, उन्होंने क्रोधित होकर के शक्ति के 100 लड़कों की भी हत्या कर दी और शक्ति को भी मार दिया। उनकी पत्नी अदृश्यंती थी, अदृश्यंती उसके गर्भस्थ एक बच्चा था, तो जब वो अदृश्यंती रोने लगी तो गर्भस्थ बच्चे ने आवाज दी, माँ सब समाप्त नहीं हुआ, मैं आ रहा हूं। ये आवाज पुत्री, ये आपका पौत्र है ऋषिवर, शाक्य का पुत्र जिसने 12 सालों से मेरे गर्भ को नहीं छोड़ा, ये तो महाज्ञानी है जिसने गर्भ में ही इसने चारों वेदों को कंठस्थ कर लिया है। इतना तेज, इतना क्रोध? हाँ, ये मुझसे बातें करता है, मुझे माँ कहता है, किंतु इसके मन में जली हुई अग्नि से भयभीत हो जाती हूं मैं। ये अपने पिता और दादा के विपरीत है, अपने क्रोध पर विजय नहीं पा सका, ये दिन रात विश्वामित्र से बदले की सोचता है, सिर्फ बदला। जब पराशर का जन्म अदृश्यंती के गर्भ से हुआ तो जन्म लेने से पहले ही उसका निश्चय था, एक संकल्प था, एक प्रतिज्ञा थी कि मैंने विश्वामित्र से अपने वंश का खदेड़ने का, खत्म करने का, हत्या करने का बदला लेना है। तुम्हारे क्रोध की अग्नि किसे नष्ट करने के लिए है पुत्र? मैं तीनों लोकों को जलाकर भस्म करना चाहता हूँ। आज के बाद कोई क्षत्रिय किसी कल्मषपदा के हाथों नहीं मारा जाएगा। बस करो पुत्र, क्रोध तो मूर्खों का गहना है, क्रोध से तुम अपना ज्ञान कम कर रहे हो। ऋषियों और राक्षसों में यही तो भिन्नता है कि हमें अपने क्रोध पर वश करना आता है। परंतु मैं विश्वामित्र से बदला लेना चाहता हूं। बदले की अग्नि सबसे पहले स्वयं को जलाती है पुत्र, तुम क्षत्रिय नहीं ब्राह्मण हो, तुम्हारा काम तप करना है, ज्ञान प्राप्त करना है, ज्ञान बांटना है, अग्नि से जूझना तुम्हारा काम नहीं। राशर के अंदर क्रोध की आग जल रही थी, एक ब्राह्मण होने के कारण उन्हें इसी क्रोध पर काबू पाना था, शायद इसीलिए सब कुछ छोड़कर वो हिमालय की तरफ आए, एक ऐसे स्थान की तलाश में जहां क्रोध, द्वेष और बदले की भावना उनसे दूर रह सके। मंडी से दूर यहां न बस आती है न गाड़ियां, यहां तो जंगल भी नहीं उगते, जैसे किसी की मनाई हो। सुनिए, क्या यहां कोई आसपास गांव नहीं है? दूर दूर तक तो यहां कोई भी गांव नहीं है जी। अब क्यों? ऋषि पराशर को रहने के लिए एकांत स्थान चाहिए था, इसलिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है। 7-8 किलोमीटर के अंदर जो है वो फैला हुआ है, चरागाह है, स्लोप्स हैं, बड़ी सुंदर हैं, जहाँ पर पेड़ नहीं उगते हैं।
कई बार वहाँ पेड़ लगाने की कोशिश करो, वो कुछ एक टाइम के बाद वो वहीं पर ही समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि पराशर ऋषि ने स्वयं वहाँ पर रह करके जब तपस्या की थी तो उसे अभय स्थली बनाया था, जैसे पशु वगैरह वहाँ पर आकर रमण करें, घूमें फिरें, चरागाह के सामान यूज़ हो, प्रयोग लोग आएँ जाएँ, घना जंगल ना हो, तो उस प्रकार का वो प्रभाव जो उनकी तपस्या का प्रभाव है अभी तक वहाँ बना हुआ है। और भौगोलिक तथ्यों से पर्यावरण के मुताबिक भी वहाँ पर अगर वेजिटेशन को हम बढ़ाएँ तो वहाँ बढ़ती नहीं है, बात सत्य है। ढूंढने से भगवान भी मिल जाते हैं। झील को आप देख रहे हैं, अत्यंत दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ दूसरे मायने में ऐसी भी है कि यहाँ इतनी ऊंचाई पर स्थित इतना बड़ा जलाशय, ये अपने आप में एक करिश्मा है। इसके पानी के न आने का पता लगता और न जाने का लगता, ये विशेषता है। तो इसको अत्यंत पवित्र माना जाता है। लोग भी अक्सर यहाँ से पानी जो अपने घरों में ले जाते हैं, जब भी अपने शुभ कार्य होते हैं तो उस पानी का प्रयोग गंगा जल के रूप में करते हैं। प्राशर झील एक अद्भुत रहस्यों में से एक है। इसके बीच गोल आकार का ये भूखंड, दिस फ्लोटिंग आइलैंड, जो इस झील के ऊपर चक्कर लगाता रहता है। सुबह सूर्योदय होते वो पूर्व से चलता था और शाम को पश्चिम किनारे पर झील के पहुंचता था, पर जाता हुआ नज़र नहीं आता था, सरकता हुआ अभी भी नज़र नहीं आता है। अच्छा। बड़ी देर के बाद लगता है वो तो चला गया, आगे तक पहुंच गया। आपने देखा है ऐसे घूमते हुए? हाँ जी। तो कैसे घूमता है? जैसे सच्चे मन से कोई भक्ति करे या फिर कुछ मन तो पूरी होनी फिर घूमता है। अभी घूमेगा? अगर आप सच्चे मन से ही करेंगे तो। गंजे जो ये छोटा सा आइलैंड है, फ्लोटिंग आइलैंड है, आप फ्लोटिंग आइलैंड्स, दिस हैज़ रिलीजियस सैंक्टिटी, बट फ्लोटिंग आइलैंड्स आर नथिंग यूनिक, कोई इतनी खास चीज़ नहीं है। आज आप, आज की डेट में आप कश्मीर चले जाओ, दल लेक पे चले जाओ, वहाँ आपकी वेजिटेबल्स आर ग्रोइंग ऑन फ्लोटिंग आइलैंड्स। उसका कारण है कि आस पास की मिट्टी एक तो आती है, उसके साथ पेड़ पौधे के घास फूस आता है और घास डूबता नहीं है, और घास जब सरफेस पर एक जगह इकट्ठा होता है तो उसमें और वेजिटेशन होने सरता है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस शुरू होता है और उसका विस्तार होता जाता है। जितने लोग उतनी बातें, मगर इस परफेक्ट ओवल शेप लेक को देखकर हैरानी तो होती है कि कोई नेचुरल मेड फिनोमिनन इतना परफेक्टली शेप कैसे हो सकता है। मंदिर जो पराशर लेक के साथ है, एक बहुत एग्जेम्पलरी पीस ऑफ आर्किटेक्चर और कार्विंग है जो हिमाचल प्रदेश में मिलेगा। तीन चार ही मंदिर हैं जो ये पैगोडल स्टाइल में बने हुए हैं। पराशर झील पर बना ये मंदिर भी कम अद्भुत नहीं है। यहाँ तो पराशर ऋषि हिमाचली परंपरा के अनुसार कुल देव बन गए हैं और उनकी कहानियों में मिरेकल्स को जोड़कर उन्हें पूजा जाने लगा है। शिवर, मैं आपकी आज्ञा लेने आया हूँ, मुझे मेरा मार्ग पुकार रहा है। मेरी बातों का हमेशा ध्यान रखना प्राशर, इस जीवन काल में तुम्हारा अध्याय अब शुरू होने वाला है। तुम्हारा जन्म एक महान ऋषि बनने के लिए हुआ है, उस कर्तव्य को पूरा करो। ऋषिवर, मैं अपने मन की शांति खोजने जा रहा हूँ, आप ही की तरह विश्वामित्र को पराजित करूंगा, एक योद्धा बनकर नहीं परंतु एक तपी बनकर। अपने ज्ञान के सागर में मैं उसके अभिमान को डुबो दूंगा। उसके लिए नहीं, अपने लिए ज्ञान एकत्रित करो, महाज्ञानी बनो, यशस्वी भव। प्रणाम ऋषिवर।
तो उसने ये चिंतन किया कि मैं बलपूर्वक तो इसका बदला नहीं चुका सकता, क्योंकि क्षत्रिय है, तेज और बल इसके पास है। मैं ऋषि दर्शन करके, तप करके, तपस्या करके, घोर तपस्या करके ही इसके साथ बदला चुका सकता हूँ। तो उसने देखा कि मध्य भारत में रहूँगा तो विश्वामित्र फिर हमला करेगा, मुझसे छेड़ेगा, मेरे परिवार से छेड़ेगा, मेरी माँ से छेड़ेगा, किसी को छेड़ेगा, तो क्यों ना मैं यहाँ से चला जाऊँ। हिमालय की तरफ निकल गया। पगोड़ा स्टाइल मंदिर काफी प्राचीन है। इस मंदिर के निर्माण की कहानी भी अनोखी ही है। फोकलोर के मुताबिक ये मंदिर एक ही देवदार ट्री से काव किया गया था और इसका निर्माण किया था एक बच्चे ने। मकड़ी आगे आगे जैसे बुनती गई और पीछे 6 महीने का बच्चा जो है मंदिर का निर्माण किया उसने। आपको विश्वास है क्या सच है? जैसा लोक मान्यता है तो मैं कहूँगी मैं उसको इनकार नहीं करूँगा। पूरे हिमाचल प्रदेश में या इस रीजन में जो मंदिर बनते हैं वो थौई जाति के एक लोग होते हैं, उन्हीं का एक बच्चा था, 6 महीने का बच्चा बताते हैं जो लोक मान्यता है वो उसने बनाई है। मैं इसको सत्य नहीं मानता। सत्य इसलिए नहीं मानता कि 6 महीने का बच्चा क्या मंदिर बना सकता है, चाहे सत्ययुग का बच्चा हो चाहे कलियुग का बच्चा हो। ये हो सकता है कि जो मंदिर शिल्पकार बना रहा था उसको 6 महीने का बच्चा स्वप्न में नजर आया हो मंदिर बनाता हुआ और उसने व्यक्त किया हो कि मैं नहीं बना रहा हूँ। जैसे मैं कहता हूँ कि मैं ये किताब नहीं लिख रहा हूँ, परम पिता परमेश्वर मुझसे लिखवा रहा है। हमारे यहाँ पर्वतीय क्षेत्र में गुरु परम्परा है। गुरु परम्परा में क्या है कि देवता विशेष किसी व्यक्ति के शरीर में आकर बताते हैं कि इस मंदिर को इस प्रकार से करो। तो इसी प्रकार से एक गुर को विशेष रूप से आभास हुआ कि जो ऋषि पराशर का जो ये मंदिर है इसका जो निर्माण है वो किसी बच्चे विशेष के संकेतों पर होगा। हम ये मानते हैं कि वो मंदिर आदिकाल में रहा होगा। ये वर्तमान जो मंदिर आप देख रहे हैं ये मंडी के राजा, क्योंकि उनके कुल देवता यहीं हैं और उनके मुंडन संस्कार यहीं पे होते हैं, तो ये मंडी के राजा सिद्धसेन ने 14वीं सदी में बनाया है। कहते हैं कि पराशर ऋषि ने अपनी कुल्हाड़ी मार के ये झील को बनाया। कुल्हाड़ी तो नहीं कहेंगे, एक वो हमारे यहाँ स्थानीय भाषा में गज कहा जाता है। ऐसी लोक कथा है कि भाई वो मार के यहाँ पानी निकाला। पराशर ऋषि बहुत बड़े ज्ञानी हुए। उनके तप ने उन्हें अहम से बहुत ऊंचा कर दिया। बदले और द्वेष जैसी भावनाओं के लिए एक तपी के मन में कोई स्थान ही नहीं रह जाता। इट्स कंप्लीट पीस, कंप्लीट ईगोलेसनेस। उस वक्त द्रष्टा ऋषि होते थे, वो अपने ध्यान मग्न होकर ये देख देते कि किस भूमि की क्या क्वालिटी है, ये जलीय या शुष्क है। जलीय और शुष्क का जब वो अनुमान लगा लेते थे उस स्थान विशेष को चिन्हित कर लिया करते थे। उन्होंने उस स्थान को चिन्हित किया और चिन्हित करवा करके उस स्थान को उकेरा तो वहाँ पर जल स्रोत निकल आया, तो उन्हीं के नाम से वो पराशर लेक कही गई, पराशर झील कही गई। इसके बाद ऋषि पराशर महर्षि पराशर बने और अपने तप और साधना से उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और वेदों का ज्ञान प्राप्त किया। फिर पराशर और मछोदरी दोनों पति पत्नी वहाँ रहने लग गए। जब वहाँ रहने लग गए, तपस्या करने लग गए और फिर वहाँ पर उनको व्यास का जन्म हुआ, जिसने 18 पुराणों की रचना की, महाभारत की रचना। 18 पुराणेषु जिसको कहते हैं ना 18 पुराण, वो वेद व्यास द्वारा लिखे गए, वो महर्षि पराशर के पुत्र थे। तेरी जय जय।
ऋषि पराशर की तपस्या का रंग आज भी यहाँ साफ दिखाई देता है। मॉडर्न सिटीज के शोर और धुएं से दूर ये जगह आज भी उतनी ही साफ और शांत है जितनी कि ये तब थी। शायद इसीलिए पराशर ऋषि यहाँ पर आए, क्योंकि ये जगह धरती और स्वर्ग के बीच की एक अनोखी जगह है। लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन द बेल आइकॉन टू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम एपिक।